नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। खबर छतरपुर जिले से है जहां पर पुलिस ने एक छापामार कार्रवाई की है जिसमें फरोशी के अड्डे पर और तीन लड़कियों सहित तीन पुरुषों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना नाका क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनी जिसे दुर्गा कॉलोनी कहा जाता है उस इलाके में शुक्रवार की रात करीब 12 बजे की गई है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान जो तीन लड़कियां बरामद हुई हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है उनमें से एक लड़की इस अड्डे को चलाती थी जबकि दो लड़कियां मुंबई और उत्तर प्रदेश की बताई गई हैं। ये दोनों लड़कियों ने पुलिस को बताया कि ये किस तरह से यहाँ लाई गई थीं और इनसे जिसमें फरोशी कराई जा रही थी। हालांकि ये स्वेच्छा से यहाँ पर आती थीं और स्वेच्छा से ही इस धंधे को कर रही थीं। इस पूरी कार्यवाही में जो तीन पुरुष पकड़े गए हैं उनमें से दो लोग छतरपुर के हैं और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया गया है। तीनों पुरुषों को पुलिस ग्राहक बता रही है। ये पूरी कार्रवाई कैसे की गई इसका भी एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी और उस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर है कि पिछले दिनों से पुलिस को लगातार इस अड्डे पर चल रहे सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी मिल रही थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पन्नानाका इलाके में जिस जगह पर ये सेक्स रैकेट चल रहा था वहां पर ये महिला काफी दिनों से इस धंधे को चला रही थी और जब लगातार ऐसी खबरें पुलिस को मिली तो पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए इस कार्रवाई के निर्देश दिए। छतरपुर पुलिस के चार बड़े अधिकारी CSP लोकेंद्र सिंह, छतरपुर महिला प्रकोष्ठ की DSP अनुरक्ति साबनानी, DSP शशांक जैन और सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेश बंजारे इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे और इस टीम ने बीते रोज इस अड्डे पर कार्रवाई की है। पुलिस की ही ओर से एक आरक्षक ग्राहक बनकर इस अड्डे पर पहुंचा था। वो चिन्हित नोट लेकर गया था जिनके नंबर पहले से पुलिस ने लिख रखे थे और जब ग्राहक ने इस अड्डे पर पहुंचकर सर्विस की मांग की तो यहाँ मौजूद महिला तैयार हो गई। बाहर से लड़कियों को उपलब्ध कराने के लिए वो रेडी हो गई और जैसे ही ये सिग्नल मौजूद आरक्षक ने पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया तो पुलिस की एक बड़ी टीम ने इस घर को घेर लिया और फिर इस कार्यवाही में 6 लोगों को पकड़ा गया है। इस कार्यवाही के बाद 6 लोगों के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत दुर्गा कॉलोनी से लगातार एक शिकायत आ रही थी कि एक महिला अपने एकांत में स्थित मकान में लगातार सेक्स रैकेट चला रही है जिसकी जांच करने पर यह मामला लगभग सही पाया गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई जिसमें CSP सर, DSP महिला प्रकोष्ठ, DSP AJK और थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाई गई और इस टीम द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो वहां पर तीन महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में तीन पुरुषों के साथ पाई गई थीं। अभी जो प्रारंभिक जाँच में बिंदु आए हैं ये महिला अपने व्हाट्सएप नंबर से लोगों को फ़ोटो भेज के और उसके जो परमानेंट ग्राहक जैसे व्यक्ति थे उनसे व्यापार तय करती थी और फिर ये काम शुरू करती थी। सर बताया जा रहा है खाते में पैसे मंगाकर ये ऑनलाइन चल रही थी। अभी इन बिंदुओं की जांच की जा रही है क्योंकि हमने जो अपना पंटर भेजा था उसने तो नगद पैसे दिए थे लेकिन ये सब सूचनाएं थी तो इनकी भी जांच की जा रही लगातार। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप खबरों को लगातार देखने और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर इस स्टोरी को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।